दूसरे ओवर में शुरुआत करी एक फास्ट बॉलर की ड्रीम डिलीवरी के साथ, जिससे मार्टिन गुप्टिल चकमा खा गए। और ऐसी गेंदबाजी, ऐसा बॉलर श्रीशांत ही है जो फिलहाल इतनी आग डाल सकता है। उसके बाद पावर प्ले ओवर्स में ही, शुरुआती ओवरों में ही यॉर्कर और फुल लेंथ बॉल आने लगी, जो कि बहुत अच्छा एज साबित हुआ। फाइनल ओवर में जब 12 रन चाहिए थे, तो श्रीशांत ने अपनी पहली बार तो लेंथ को मैटर किया, थोड़ा शॉर्ट लेंथ किया, बॉल को थोड़ा मिक्स करा, स्लोअर बॉल कराई जिससे बॉल ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रही थी, थोड़ी बहुत ड्यू थी तो जो मदद मिल रही थी। पीटर ट्रिगो को इतनी अच्छी फॉर्म में थे, वो भी चकमा खा रहे थे, बॉल ट्रैवल ही नहीं कर रही थी। और इसी बीच एक स्लोअर बॉल में पीटर ट्रिगो शिकार भी हो गए थे। तो यहाँ पे श्रीशांत की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने मैच के अलग अलग समय पे अलग अलग लेंस चूज़ करी, स्पीड चूज़ करी, जिसकी वजह से गुजरात जायंट्स ये मैच जीत पाया। और आखिरी बॉल पे जब केवल 6 रन चाहिए थे गुजरात जायंट्स को, तो बॉल अच्छी कराई थी पर एज लग के बॉल बाउंड्री की तरफ चली गई। बट चूँकि 6 रन चाहिए थे तो एक मैच, एक रन से ये मैच गुजरात जायंट जीत गया। पर एक बेहतरीन बॉलिंग T20 क्रिकेट में श्रीशांत जैसे बॉलर से ये फील होता है कि क्यों उन्होंने इतनी सफलताएं हासिल करी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारी वेबसाइट विजिट